ये स्टूडेंट्स, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल कि हम लोग मॉक टेस्ट अनाउंस कर चुके हैं. मॉक टेस्ट फॉर डायरेक्ट टेस्ट रखा है आईबीए यूनिवर्सिटी, जो कि डायरेक्ट टेस्ट इंशाल्लाह 23 जून को होगी. एंड उसके लिए इंशाल्लाह आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे. सो ये मॉक टेस्ट आप लोगों की ऑनलाइन भी होगी, फिजिकल भी होगी, और इस मॉक टेस्ट में हर कोई अप्लाई कर सकता है. ठीक है ना, ये सिर्फ बी एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, दिस इज फॉर ऑल. एंड जो भी अप्लाई करेगा उनके लिए सर्टिफिकेशन अलग है अप्लाई करने वालों के लिए. एंड उसके बाद जो है वो लोग ऑफकोर्स जो पोजीशन होल्डर्स होंगे तो उनको शील्ड्स वगैरह अलग दी जाएंगी. एंड वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट के जो ऑनलाइन देंगे उनके लिए भी होगा. ठीक है, सबसे पहले मैं लोकेशन बता दूं, अगर आप लोग सक्खर से हैं या सक्खर आ सकते हैं, ठीक है ना, सो उनके लिए सेंट मैरीज हाई स्कूल यहाँ पे ईदगाह रोड पे ये है, ब्लड बैंक हॉस्पिटल या नेशनल बैंक के अपोजिट में ये है, सेंट मैरी हाई स्कूल के अंदर ही है. ठीक है, हमारी क्लासेज इधर ही चलती हैं, इधर हमारा हॉल है बड़ा, तो उसी हॉल में हमारी टेस्ट होती है. और ये टेस्ट विल बी द रिफ्लेक्शन फॉर डायरेक्ट सक्खर आईबीए यूनिवर्सिटी. देखिए 14 को टेस्ट करने का, ये टेस्ट लेने का, यानी मॉक टेस्ट लेने का पर्पज ही है. सबसे पहले तो आप लोग अवेयर नहीं होते कि भाई मॉक टेस्ट होती क्या है. देखिए मॉक टेस्ट का मतलब कॉपी है, यानी मॉक तो मजाक को भी कहते हैं, यानी मॉक का अगर टेस्ट के हवाले से कहेंगे कॉपी है. ठीक है ना, यानी आप लोगों को हम लोग जब यानी क्वेश्चंस दे रहे होते हैं, पूरा एक प्रोसेस से गुजार रहे होते हैं, यानी आप लोगों को ये फील आ रहा होता है कि आप लोग डायरेक्ट टेस्ट दे रहे हैं और डायरेक्ट टेस्ट का ही एक्सपीरियंस हो रहा है. सो ये होता है कि आप लोग एटलीस्ट 9-10 दिन पहले आप लोग टेस्ट देते हैं. टेस्ट देने के बाद एटलीस्ट आप लोगों को इंशाल्लाह विद इन टू डेज आप लोगों को रिजल्ट मिल जाता है. अब जब रिजल्ट मिलता है आप लोगों को, तो आप लोगों को ये अंदाजा हो जाता है कि वेयर यू स्टैंड नाउ. ठीक है ना, बाय द वे टेस्ट बहुत है ना, हम लोग टेस्ट लेते रहते हैं इधर की उधर की, मगर वो जो मॉक टेस्ट का एक यानी ऐसा समझे फील है ना, ये फील बड़ा डिफरेंट होता है. ठीक है ना, हमारी क्लासेस चल रही हैं, ऑफकोर्स फिजिकल भी चल रही हैं, ऑनलाइन भी चल रही हैं, तो ये क्लासेस में ऑफकोर्स हमारे स्टूडेंट एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं. बढ़िया है कि मॉक टेस्ट का एक एक्सपीरियंस लेना, मॉक टेस्ट के बाद फिर 9-10 दिन है आप लोगों के लिए फिर इम्प्रूव करना, जो टॉपिक्स में मसला हो फिर वो उसी के हवाले से आप लोगों को खुद को ले चलना, दैट मैटर्स अ लॉट. ठीक है, अब यह है कि ऑनलाइन अगर आप सक्खर से नहीं है तो किसी भी एरिया से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. ऑनलाइन ही टेस्ट होगी, हमारी वेबसाइट के थ्रू होगी. ठीक है, ये पहले ऑफकोर्स जैसे पीडीएफ वगैरह के थ्रू ये टेस्ट हमारी नहीं होगी, और पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करते हम लोग. ठीक है, नंबर ऑफ टेस्ट की पीडीएफ प्रोवाइड नहीं की जाती, सो दैट्स व्हाई के यू मस्ट बी देयर टू हैव एक्सपीरियंस. ये बहुत जरूरी है, और मॉक टेस्ट देना आप लोगों के लिए. देखिए मॉक टेस्ट की फी ऑनलाइन की जस्ट 400 है एंड 600 फिजिकल के लिए. इसीलिए आप फिजिकल वालों के लिए तो बहुत कम है ऐसा समझें. वजह यह है कि उनका एक रिफ्रेशमेंट भी प्रोग्राम उधर है, उनकी सर्टिफिकेशन भी उधर है, उनकी प्राइसेस भी उधर है, फिजिकल के एक्सपेंसेस अलग है, स्पीकर्स वगैरह सारी चीजें उधर होती है. तो फिजिकल लोगों के लिए तो बहुत कम है, ऑनलाइन वालों के लिए इसलिए कम है कि भाई ऑनलाइन वाले एक सर्टिफिकेशन उनकी है, और ऑनलाइन के लिए जो हम टीम हायर करते हैं पूरा ऑनलाइन जो टेस्ट बनती है हमारी, तो उनके लिए ऑफकोर्स ये एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं. ठीक है ना, लास्ट डेट टू अप्लाई 13 जून है, एंड 14 जून को इंशाल्लाह आप लोगों की टेस्ट होगी, और ये टेस्ट मॉर्निंग को होगी. ठीक है ना, और टेस्ट कंडक्ट करने जो अप्लाई करते जा रहे हैं, और जो जो अप्लाई करते जा रहे हैं उनको हम लोग ग्रुप्स में सेंड यानी ऐड करते जाएंगे, ताकि आप आगे फर्दर जो है आप लोगों को नोटिफाई किया जाए. यानी 14 को अगर हम टेस्ट ले रहे हैं तो सुबह का आपको टेस्ट आया तो जो भी अपडेट्स वगैरह हैं हम उनमें भेजते जाए. बाकी हमारे ग्रुप्स में प्रिपरेशन हम खुद करवा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, मगर जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे डायरेक्ट टेस्ट यानी जो मी अकेडमी की तरफ से है, वो लोग स्टूडेंट्स के लिए तो मैंडेटरी है ना, मी अकेडमी के जो स्टूडेंट है उनके लिए मैंडेटरी है, उनको जरूरी अप्लाई करना है. बाकी वो स्टूडेंट जो हमसे तैयारी कर रहे हैं और जो यूट्यूब चैनल से हैं, फेसबुक पेज से हैं, या हमारे ग्रुप से हैं जिनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, मस्ट अप्लाई फॉर दैट. इफ यू आर फ्रॉम सक्खर सो आप यहाँ पे आए, और अगर आप सक्खर से नहीं हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई करें. ये जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें, और आस्क एडमिन यानी मी अकेडमी का एडमिन, ठीक है ना, ग्रुप का नहीं, यानी मी अकेडमी एडमिन को ये नंबर चल रहा है ना, ये मी अकेडमी का एडमिन है बंदा, तो इसी को व्हाट्सएप करें और इसी को कहें कि भाई वी वांट टू अप्लाई फॉर मॉक टेस्ट एंड प्लीज सेंड द प्रोसीजर. सो ही विल ऑफ कोर्स सेंड यू द प्रोसीजर, एंड प्रोसीजर के बाद आपको क्या करना होगा, जस्ट वही ट्रांसफर करना होगी फी, एंड उसके बाद आप लोगों ऑफ कोर्स फॉर्म दिया जाएगा, एंड देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट. एंड 14th डेट को आप लोग इंशाल्लाह यू विल असेसिंग योर सेल्फ, यू विल ऑब्जर्विंग योर सेल्फ, एंड यू विल देन ऑफ कोर्स मेकिंग योर सेल्फ क्लियर कि भाई आप लोग वहां पे खड़े हैं. सारा सिलेबस उसी में होगा, पैटर्न उसी में होगा, सारी चीजें उसी में हैं, बट ये है कि हम एक्सपीरियंस यहाँ पे खड़े हैं तो हम लोगों को कुछ मान लिया करें जरूरी है. आप मानते नहीं है, मसला ये है, आप अपनी जान लगाते हैं, आप अपनी जान लगाते हैं और वही करते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं होता. इफ वी आर इन फ्रंट, ठीक है ना,
तो अगर फ्रंट में हम लोग हैं तो ऑफकोर्स आप लोग गाइड करने के लिए, और आप हमें सुनते भी हैं, लेक्चर भी सुनते हैं, मगर जब गाइड कर रहे हैं मगर आप गाइडेंस नहीं मानते, दैट्स व्हाई कि आप जाके वहाँ पे पेपर में ऑफकोर्स यानी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, ठीक है ना। सो बी देयर एंड इंशाल्लाह आप लोग लेक्चर होगा, मॉक टेस्ट जरूर दें, और ये मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बड़ी बेहतर साबित होगी, ठीक है ना। शुभ, थैंक यू सो मच, एंड फिर कथे इंशाल्लाह, दुआ में याद।